नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज बायस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और सीधे हम बढ़ेंगे खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड पुलिस फ्लाइट से लेकर रांची पहुंची है। यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी को उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार कर रांची लाया गया है। डीएसपी रजत मानिक बखरा के नेतृत्व में झारखंड पुलिस ने सुनील तिवारी को गिरफ्तार किया है। रांची एयरपोर्ट पर सीधे सुनील तिवारी को सदर अस्पताल में कोरोना के लिए जांच के लिए ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सुनील तिवारी पर यौन शोषण, छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत उल्लंघन के तहत मामला दर्ज है। 16 अगस्त 2021 को आदिवासी युवती की ओर से सुनील तिवारी के खिलाफ अड़गोड़ा थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद से झारखंड पुलिस सुनील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रांची एयरपोर्ट लाया गया है और आप देख सकते हैं, और हम जानने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी सुनील तिवारी पे दुष्कर्म का आरोप लगा, आप देख सकते हैं अलगोरा पुलिस यहां पे मौजूद है। अलगोरा पुलिस जो है इन्हें अब यहां से सदर अस्पताल ले जाएगी और वहां कोविड टेस्ट किया जाएगा। सरकार की साजिश है, सुनील तिवारी ने कहा कि ये सिर्फ साजिश है। आप देख सकते हैं कि इन्हें सुनील तिवारी को अब गाड़ी में बैठाया गया है और यहाँ से इन्हें सीधे सदर अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ पे इनके इनकी जांच की जाएगी। आप बैठ देख सकते हैं काफी तिवारी जी से जैसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि ये साजिश है और कोर्ट पर उनको उन्हें पूरा विश्वास है। राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी के, और आप देख सकते हैं कि अब जो है पुलिस इन्हें लेकर सीधे ले जा रही है और सदर अस्पताल के बाद इन्हें फिर कोर्ट ले जाया जाएगा, उसके बाद पुलिस रिमांड पे ले सकती है। सहयोगी संजय के साथ प्रतीक सिंह, 22 स्कोप न्यूज, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भोजपुरी वाला बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों एक मीडिया संस्था के साथ इंटरव्यू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रखकर महिलाओं की इज्जत लूटने वक्त भोजपुरी भाषा में ही गाली दी जाती है। ट्राइबल समाज ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई रीजनल लैंग्वेज की बदौलत लड़ी है, ना कि भोजपुरी और हिंदी भाषा की बदौलत। वो किसी भी हालत में झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। उनके इस बयान पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बहुत शर्म की बात है कि हेमंत सोरेन ने ऐसा बयान दिया, और इस तरह का बयान देना उनकी ओछी राजनीति को दर्शाता है। बहुत ही शर्म की बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह के बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, या तो 2000 में बंटवारा हुआ है, और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। इस तरह से की राजनीति करके वो किसी का भला नहीं करेगा।